ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो आप आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। सो आज हम एक मंथली रीडिंग बनाने वाले हैं जिसमें ये देखेंगे कि फेब्रुअरी मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले हम करियर की रीडिंग निकालेंगे, देन लव की, एंड फाइनली आपके लिए डिवाइन गाइडेंस निकालेंगे जिसमें देखेंगे कि सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, फेब्रुअरी मंथ आपको किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी आपको चीज़ों में पहले से ज़्यादा सचेत होना चाहिए। ठीक है, सो ये है आपकी रीडिंग फ्रेंड्स। और जितने भी नए लोगों ने मेरे चैनल पे आज ज्वाइन किया है या पहले से हैं बट कभी सब्सक्राइब नहीं किया, सो फ्रेंड्स आई रिक्वेस्ट कि आप सब प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करें आने मेरी वीडियोज़ के लिए। सो फ्रेंड्स बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोज़ को बनाने में। सो और जितना हो सके रीडिंग्स को, जनरल रीडिंग्स को जनरली लें, ज़्यादा इम्पोज मत करें, ठीक है, अपने ऊपर। सो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ओके, सो सैजिटेरियस आइए देखते हैं कि करियर वाइज आपका कैसा रहेगा महीना। फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी सैजिटेरियस का करियर वाइज कैसा रहेगा मंथ। सो न्यू विजन का कार्ड आया है, पास्ट लाइव्स एंड कॉम्प्रोमाइज। सो देखो कहीं ना कहीं अगर मैं सैजिटेरियस आपको बोलूं तो अगर आपने अपने करियर में कुछ प्रॉब्लम सैजिटेरियस फेस किए हैं तो उन प्रॉब्लम्स को अब ओवरकम करने का टाइम आ गया है। कुछ ऐसे कार्मिक लोग अगर आपको काम काज में मिले हैं, आपके जॉब में मिले हैं या बिजनेस में ऐसे मिले हैं जिन्होंने आपको बेमतलब का आपने उनकी वजह से नुकसान उठाया है, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे लॉस हुआ किस रीज़न से है, मुझे क्यों ये इंसान इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है, क्यों ये कोऑपरेशन नहीं दिखाता, ये आपका बॉस या कुलीग आपको बिना बात के परेशान करता है। सो समवेयर आपको उसमें एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करनी पड़ेगी फेब्रुअरी मंथ में। सो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें, अपना एक विजन क्रिएट करें। आप ये देखें कि बेसिकली आपको क्या चाहिए, आप क्या करना चाहते हैं, आप एग्जैक्टली आगे कैसे बढ़ना चाहते हैं, अपने अंदर क्या बदलाव लेकर आएंगे फेब्रुअरी में और कैसे करेंगे। सो देखो द मास्टर एंड क्लिंगिंग टू द पास्ट है, तो पुरानी बातों को आपको भूलना पड़ेगा, पुरानी चीज़ों से एक लेसन लेना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा कि क्या गलतियाँ आपने, या तो देखो उन वो लोग कार्मिक थे कि आपको आकर परेशान करके गए वर्क एरिया में, या फिर आपकी तरफ से भी कुछ गलतियां अगर पीछे की आप बातें नहीं भूल पा रहे और वही आपको स्ट्रेस दे रही हैं तो फेब में आपने नहीं करनी है वो चीज़ें, अपने लिए एक नए रास्ते बनाने की कोशिश करनी है। इन चीज़ों का आपको फेब में ध्यान रखना है। अब देखते हैं लव एंड रिलेशनशिप में कैसा रहेगा फेब मंथ फॉर धनुराशि। तो धनु राशि के लिए फेब मंथ कैसा रहेगा ये देखते हैं। टेम्परेंस, द चैरियट, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो मुझे जहां तक आपकी एनर्जीज नजर आ रही हैं धनु राशि, इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी कहीं ना कहीं आप एक ऐसी एनर्जी में हैं जहाँ पर आप खुद को बैलेंस करेंगे। कहीं तो आप अगर बहुत ज़्यादा हार्श हो रहे थे तो आप थोड़ा सा अपने आप को लविंग बनाने की कोशिश करेंगे, और अगर आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो रहे थे तो थोड़ा सा अपने आप को हार्श बनाने की कोशिश करेंगे। बेसिकली अपने आप को बैलेंस करेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, रिश्ते में अपनी तरफ से पॉजिटिविटी ऐड करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा अगर आप बहुत ज़्यादा गलत तरीके से चीज़ों को ले रहे थे, थोड़ा सा आप अपने आप को संभालेंगे। फोर ऑफ कप्स से मुझे दिख रहा है कि मे बी आप अपने रिलेशनशिप्स को लेकर अगर थोड़े सैड थे या सिचुएशन में चीज़ें समझ नहीं आ रही थी तो अब आप ऐसे सोचेंगे कि कैसे मैं एफर्ट लगाऊं और कैसे मैं अब अगर मेहनत कर सकता हूँ दोबारा चीज़ों को ठीक करने की, तो अपनी तरफ से एफर्ट भी लगाते नज़र आ रहे हो। मे बी अब वो सैडनेस भी एक लेवल कब तक रहेगी ना, एक लेवल होता है ना सैडनेस का, सो मे बी यू वॉन्ट टू शो दैट पर्सन कि आई एम सैड विदाउट यू। ठीक है,
और आप उस रिश्ते पे दोबारा से काम करना चाहते हो, और या फिर ये पार्टनर की तरफ से भी हो सकती है कि वो चाहेगा कि अगर आप ने उसने नहीं किया है बिल्कुल भी एफर्ट अब तक, तो आप सैड थे और वो अपनी तरफ से मेहनत करे। सो एक तरह से मुझे तो अच्छा ही दिख रहा है कि आपके लिए फरवरी मंथ अच्छा ही दिख रहा है, जहाँ पे पहले आप थोड़े से बैलेंस करते नज़र आ रहे थे, वहाँ पे अब थोड़ा सा मेहनत करते नज़र आओगे। आगे देखते हैं क्या है आपके लिए, डिवाइन गाइडेंस क्या कहती है। डिवाइन गाइडेंस फॉर धनु राशि, बी असर्टिव का मतलब है पॉजिटिव रहें, जो होगा देखा जाएगा, अपनी तरफ से अच्छा करते जाएं, बाकी आप अपनी मेहनत भगवान पे छोड़ दें, ठीक है। इफ़ यू बिलीव का कार्ड आया है, सो अगर आप यकीन रखेंगे कुछ चीज़ों में तो वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में ज़रूर 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 होगी, ठीक है। बट उसके लिए आपको विश्वास रखना होगा, ठीक है। पॉजिटिव रहें, विश्वास रखें, और आपको सही लोग भी मिलेंगे जो आपकी हेल्प करेंगे, जो आपको आगे बढ़ने में रास्ता दिखाएंगे कि कैसे आपको चीज़ों में आगे बढ़ना है, कैसे चीज़ों को संभाल कर चलना है, चाहे वो करियर में हो प्रॉब्लम्स फेस करी, चाहे वो लव लाइफ में हो, तो लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको संभालेंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। अगर आप इसे रेजोनेट कर पाए हो तो क्लेम करना एनर्जी को, चैनल को सब्सक्राइब करना, रीडिंग को लाइक करना, और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ अगली रीडिंग में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय।